press the bell icon for all the updates. हमारी शॉकिंग न्यूज़ है ये। तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ पल्लवी मैम से, जो कुछ ये हैपनिंग्स हुई है, ये अनफॉर्चुनेटली हुआ जो हुआ, उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म से मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि इंद्र कुमार ने जो सुसाइड का अपना जो ये सीन किया था, जो रियल में सुसाइड नहीं है, आप उसको पॉजिटिव लोगों की, देखो क्या एक्टिंग किया बंदे ने, क्या नवरस निकाले फिल्म में, वो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको मेरे फिल्म के अंदर। और उसी का एक पार्ट है वो, जो अभी गलती से निकल गया कहीं से आ गया वो। और हमारी फिल्म तो अभी एक प्रोसेस में चल रही है अभी तक, अभी तो हमने पोस्टर डिजाइन नहीं किया, अभी हमने ढंग से उसको प्रोमो डिजाइन नहीं किया, अभी मिक्सिंग में पिक्चर चल रही है हमारी। तो अब हमारे लिए ये हो रहा है कि हम अभी अपने पूरा जोश से किसी न किसी तरीके से इंद्र को श्रद्धांजलि दें और एक दो महीने के अंदर फिल्म को लेके आएँ और दिखाएँ कि देखो ये बंदा क्या था, चीज़ था और क्या चीज़ है ये बंदा किसी कीमत पर सुसाइड नहीं कर सकता, जो कुछ है वो उसकी एक्टिंग है। और मैं प्रूव करने के लिए यहाँ बैठा हूँ आज, और थोड़ी देर में आपको उसका जो भी क्लिपिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं राजू सर, आप कुछ दो शब्द बोलेंगे? मैं सिर्फ इंद्र के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इंद्र को मैं डे फर्स्ट से जानता हूँ, जब कलकत्ता से पहली बार उसने यहाँ पे एयरपोर्ट पे कदम रखा था, तब से लेके तो जब वो इस दुनिया से चले गया। और हरे रामा हरे कृष्णा में जब हमने श्रद्धांजलि रखी थी और लास्ट टाइम पे उसको मैं गुड बाय करने के लिए हाजिर रहा, उसके दिन से दो दिन पहले ही मैं नागपुर से यहाँ पहुँचा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इंद्र के साथ में डे फर्स्ट से लेके तो डे लास्ट तक के रहा। ये अलग बात है कि मेरी बेटी की शादी इंद्र से हुई थी और उसके बाद में इंद्र का डाइवोर्स भी उससे हुआ था, बाद में पल्लवी से शादी हुई। और मिडडे के फ्रंट पेज पे मैंने इंटरव्यू दिया था कि अगर दोनों में तलाक हुआ है तो 100% गलती इंद्र की नहीं है, अगर इंद्र की 50% गलती है तो 50% गलती मेरी भी है। तब से लेकर आज तक के जब पल्लवी से उसने शादी किया तो मुझे लगा था कि और मेरी ज़िंदगी में पल्लवी के बेटे के थ्रू और एक मेरी ज़िंदगी में और एक बेटी आई है। मुझे लगा था कि मैं पहले 3 बेटियों का बाप हूँ, अब मैं 5 बेटियों का बाप बन गया, क्योंकि 2 बेटियाँ मेरी ऑलरेडी है, एक पल्लवी तीसरी बनी, पल्लवी की एक बेटी और मेरी बेटी की एक बेटी, जिनके साथ में इतना लंबा सफ़र इंद्र का निकला हो, उसके साथ में इंद्र का रिश्ता क्या रहा हो ये आप जान सकते हो। इंद्र इतना क्या कहते हैं वो, कमज़ोर इंसान नहीं था कि वो सुसाइड कर ले हुए, लेकिन हाँ वो इतना स्ट्रांग था कि उसने इस सीन से साबित कर दिया कि वो कितना ग्रेट एक्टर भी है। उसने बड़े 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 एक्टरों के साथ में काम किया, उसने अक्षय के साथ में काम किया, उसने सलमान के साथ में काम किया, उसने संजय दत्त के साथ में काम किया, लेकिन कहीं ये नहीं दिखाया उसने कि वो जूनियर है, उसको एक्टिंग नहीं आती है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब ये फिल्म लगने वाली है जिसका नाम है फटी पड़ी यार, और उस सीन का एक क्लिपिंग ऐसे टाइम पे बाहर आना कि इस लड़के ने, इस स्टार ने सुसाइड करने की कोशिश की, इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जब ये बात मुझे पता चली इत्तेफाक, तब भी मैं नागपुर में था और आज सुबह आया हूँ, मैंने इनसे पूछा कि ये सब क्या नाटक है, पहले इमीडिएट आप प्रेस को बुलाओ, आप सबको, आपने देखा होगा मैंने इनवाइट किया, और मैं, हमारी बच्चे पल्लवी आज आपके सामने बैठे हैं, और ये साबित करने के लिए कि इंद्र सब कुछ कर सकता है लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकता, और सुसाइड का वीडियो इस दुनिया में छोड़ के नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच। कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इंद्र वॉज ऑलवेज अ कॉन्ट्रोवर्सी चाइल्ड, आई डोंट नो वाई, इवन दो ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन एंड वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हार्ड वर्किंग, बट पता नहीं उसके साथ कुछ था कि जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था उसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता था, और वो एंड वो इतना विल पावर्ड था कि जब कुछ नेगेटिव होता था तो वो उसके ऊपर हंसता था एंड वो बोलता था कि यू नो ये नेगेटिविटी गिव्स मी मोर पावर टू मूव ऑन विद गुड वर्क। तो ये जब मैंने क्लिपिंग देखी तो पता नहीं कुछ दुश्मनी सी हो गई है यूट्यूब के साथ, कि जब भी यूट्यूब देखती हूँ तो कुछ नेगेटिव ही चीज़ दिखती है, जब वो गुजरे तो फिर यूट्यूब पे, जब एट दैट टाइम वाज नॉट इन कंप्लीट सेंसेस बट व्हेन आई गॉट बैक टू सेंसेस एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियोस ही शोड मी, तो लिखा हुआ था कि भाई गाड़ी बेच के बम्बई शहर में जी रहे थे। तो पता नहीं, अब जिन लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया शायद उनको पता होगा कि कितनी गाड़ियाँ बेच दी 20-25 साल में भैया सरवाइव करने के लिए। फिर एक वीडियो देखा कि इंद्र कुमार को कोई कंधा देने नहीं आया, तो
दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी चीप वीडियो कि मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही थी कि भाई कौन कंधा देगा कौन कंधा, 200-300 लोग आ गए थे बाहर के भी, रिलेटिव्स भी एंड ऑल दैट. फिर एक वीडियो देखा कि वो डिप्रेशन में थे, तो मुझे तो पता नहीं कि ये सब न्यूज़ कहाँ से आता था और कौन देता है मीडिया वालों को कि वो डिप्रेशन में थे, क्योंकि वो जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक ही घर में रह रही थी, तो वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे बिकॉज ऑफ हिज डॉटर. एवर सिंस हिज डॉटर वॉज बॉर्न ही वॉज लाइक इन टू अ इंटायर डिफरेंट वर्ल्ड, ही वॉज लिविंग हिज लाइफ ऑल ओवर अगेन. एंड फिर ये देखने को मिला, अब किसी रिलेटिव ने फॉरवर्ड किया मुझे, तो मैंने प्रेम भाई को फ़ोन किया. प्रेम भाई इज़ नॉट ओनली अ डायरेक्टर, ही वॉज लाइक अ एल्डर ब्रदर टू इंदर. एंड फिर प्रेम भाई भी जैप उतने ही शौक में थे, क्योंकि हम इसलिए शौक में नहीं थे कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमारे सामने इस पूरी सीन को शूट की गई है. मतलब हम लोग, मतलब ही वॉज द डायरेक्टर एंड ये प्रेयर कर रहे थे कि एक टेक हो जाए तो ये पूरा सीन निकल जाएगा और उस तरीके से पिक्चराइज करना है. एंड व्हेन द सीन वॉज ओवर ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन द सेट कि क्या शॉट दिया है इंदर जी ने आपने. तो मेरे को लगा कि हमने सबने इतनी मेहनत की है एज अ यूनिट, एक पिक्चर को बनाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, और कोई एक ऐसा आदमी आता है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और वो एक सीन लीक कर देता है, और उसके बाद पॉजिटिविटी होने के बावजूद वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदा अभी एक कुछ महीनों पहले गुजर गया है. क्यों क्यों इतना जजमेंटल हो जाता है हर इंसान? कब शूट किया गया था और कौन कौन इसमें है? 1.5 साल पहले हमने फिल्म कंप्लीट की थी, जो शूटिंग की फटी पड़ी यार की, हमने शूट शुरू किया था कुछ एक महीने के अंदर ही, हमने वो नॉन स्टॉप जो काम कर रहे थे उसी में शूट किया था हम लोगों ने. और उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमने सोचा पोस्ट में चले जाएँ, डबिंग वबिंग शुरू हुई हमारी. जैसे ही डबिंग ख़त्म की इंदर ने, पता नहीं रात को एक बहुत बैड न्यूज़ सुनाई पड़ी मेरे को कि इंदर को हार्ट अटैक आ गया. मतलब पिक्चर कम्प्लीट करी, डबिंग हुई, अब हम सपने देख रहे हैं कि हम बड़े लेवल पर निकलेंगे, हम एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, एक सोशल कॉज के लिए भी और अपने खुद के लिए भी, कि देखो हमने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक ऐसी चीज़ देने वाले जिसमें नवरस एक्टिंग दिखाएंगे, उनको नया चीज़ दिखाएंगे, एक नई बात करेंगे. लेकिन सारा का सारा जो एक हमारा जो सपना था, जो सब चीज़ें थी, वो इंद्र के डेथ के साथ ही एक पार्ट में ख़त्म हो गई. लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हमें कहा नहीं कोई बात नहीं, अब जो इंद्र का जो भी सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे. गिरते मरते पड़ते हम अपने लेवल भी पिक्चर कम्प्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे. अभी तो हमारी मिक्सिंग शुरू हो रही है, अभी और चीज़ें हो रही हैं जो पोस्ट में मालूम है कितनी तकलीफ आती है हम लोगों को. अब करें क्या? तो मतलब आप जैसे जो वीडियो से लोगों को जो समझ में आ रहा है जो देखा, क्योंकि आप लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है जो भी, क्या वो चीज़ें उनमें थी जैसे मतलब निराशात्मकता या सर पीने की तो बात ऐसी थी कि उन्होंने सिगरेट तक छोड़ दिया था क्योंकि मेरी डॉटर कंप्लेन करती थी एंड ही इज अ विटनेस ऑफ इट. अभी लास्ट टाइम जब हम मैं छोटी बात करूँ, भूल जाऊँगा मैं, हम लोग लास्ट टाइम सलमान खान से मिलने गए, मैं और इंद्र मिलने गए थे फिल्म से रिलेटेड बात करने के लिए कि हमारी फिल्म कम्प्लीट हो गई है, हम कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं. तो वो अपनी क्लिपिंग दिखाने गया जिसमें हम लोगों ने उसको हैवी कर दिया था फिल्म के अंदर. लेकिन जब हम लोग मिलने गए तो उसने सलमान को मेरे सामने सिक्स पैक दिखाया अपने कि देखो मैं वापस तैयार हो गया हूँ, मैं मार्केट में आ रहा हूँ. तो वो सोचिए आप, जिस बंदे वापस आना है जिसमें 5 बजे उठता था अक्षय कुमार की तरह और आपको 8 बजे आप फ़ोन कर लो, बात कर लो, नहीं करेगा बात आपसे वो. पर वो क्या इन बिटवीन क्या वो, ये समझ में नहीं आया हमारे को. वेल इंदर, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आप लोगों को सबको पता होगा कि इंदर का एक बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ था. आई थिंक काबू पिक्चर थी ना, हाँ मैं पहले वो मजबूर के नाम से थी, मसीहा सॉरी, सुनील शेट्टी जी के साथ थी एंड उसमें बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ था. तो डॉक्टरों ने ही फेल फ्लैट फ्रॉम 100 फीट
एंड डॉक्टर ने बोल दिया था कि उस वक्त ही वॉज ऑन अ पीक ऑफ हिज करियर, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि हीरो बनना तो बहुत दूर की बात है, अब तो ये उठेंगे भी नहीं. एंड ही वॉज ऑन वाटर बेड फॉर 2 ईयर्स, मतलब एवरीथिंग ऑन द बेड. ही वॉज नॉट सपोज टू मूव बिकॉज बैक बोन टूट गया था, पैर टूट गया था, पूरा क्रश्ड हो गया था बिकॉज ही हैड अ रॉड हियर, ही हैड अ रॉड इन हिज लेग. तो वो बंदा ऐसा विल पावर का था कि जब उसको कोई चैलेंज करता था ना कि अब तुम नहीं कर पाओगे, तो वो करके दिखाता था. उसने वो सारा फेज, अगर अगर आज के दिन अगर इस सच्चाई को ज़रा से भी मान लीजिए कि वो सुसाइडल जो आप लोग बिलीव कर रहे हो, तो उसको सुसाइड करना होता तो तब करता ना, जब उसको सब पूरा उसके सारी फिल्में चली गईं, साइनिंग अमाउंट्स देनी पड़ी, पिक्चरें चली गई, काम के बिना रह लिया, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर लिया कि ये चल भी नहीं पाएंगे, तब वो बोलता ना डॉक्टर को कि मुझे सुसाइड करने दो क्योंकि मैं तो व्हीलचेयर पे थोड़ी ना रहूँगा, बेड पे थोड़ी ना. वो बंदा उठा, उसने वर्कआउट सीखा. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सलमान भाई बिकॉज ऑफ इट. सलमान भाई टोल्ड हिम कि तू एक्सरसाइज कर, अपनी बॉडी बना, एक परसेप्शन ला, तो एंड देन तुमको ना भूल पाएंगे हैपेंड वेयर एवरीबडी नोज दैट व्हाट काइंड ऑफ अ फिजिक ही हैड इन इट. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ विल पावर्ड पर्सन. सो ये तो बहुत ही मतलब आई कैन नॉट इवन रिलेट टू इंदर की मतलब सुसाइड, व्हाट सुसाइड, वो दूसरों को मार देता अपने गुस्से में, वो ऐसा था. एंड ही वॉज अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन. एंड ये जो एपिसोड हुआ है, कहते हैं ना हर एपिसोड के साथ आप अगर पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है, जो हम लोग लाइक इंदर और मेरा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा फ्रेंड्स का था, वी बेस्ट फ्रेंड्स. तो एक दिन वो मजाक में बहुत बोलता था कि देखना पल्लू, एक दिन दुनिया मेरी एक्टिंग देखेगी और बहुत हैरान हो जाएगी. तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये वीडियो देख के सब लोग कन्विंस्ड हो रहे हैं कि भाई इंदर कुमार सुसाइड कर रहा है. मतलब वो तो चला गया, उसने सुसाइड के लिए टेप बनाया और वो चला गया. तो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट दैट हिज एक्टिंग इज़ गेटिंग सो अप्रिशिएट. नेगेटिविटी क्या, वो नेगेटिव तो हर कोई किसी के बारे में बोलता है, पॉजिटिव कम बोलते हैं लोग आज की दुनिया में लोगों के बारे में. सो ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन. दाल चावल आलू चिप्स वॉज हिज फेवरेट एंड हिज एंटायर वर्ल्ड वॉज हिज डॉटर. वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ. इतने सिंपल थे कि मतलब पार्टी के लिए मैं बोलती थी कि यार कभी तो कहीं जाना चाहिए हमें, तो वो बोलते थे चलो घर पे बिरयानी बनाता हूँ और पार्टी कराता हूँ तेरे को. तो दैट हाउ सिंपल ही वॉज. Not from my perspective, but from the darshak. तो उनका reason क्या था जाने का, आप अगर बताना चाहें, क्योंकि we have to give a reason है कि this was not the, this is not true. सर इस सवाल का जवाब तो आज तक शायद राजू अंकल भी ढूंढ रहे हैं और मैं भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि he was in best of health. वो अगस्त के महीने में 2 पिक्चरें साइन करने वाले थे. ही इज़ अ यंगर ब्रदर टू इंदर एंड ये दोनों वर्कआउट कर रहे थे. ये वर्कआउट सीख रहा था इंदर से जिम में, इसको भी बड़ी शौक चढ़ी थी बॉडी बनाने की. ही इज़ एन ईपी एंड ही वॉज जस्ट फाइन. ही वॉज डाउन टू 2 सिगरेट्स इन अ डे. ऐसा भी नहीं था कि बिकॉज माई डॉटर गर्ल यूज़ टू गेट इरीटेटेड विद द फैक्ट दैट ही स्मोकिंग. सो उसने कहा कि यार अब ये भी छोड़ देना है, बाकी तो मतलब ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है. एंड नॉर्मल लाइफ जी रहे थे. एंड जहाँ तक मुझे समझ में आता है द कॉज ऑफ डेथ कि ही मस्ट बी नोइंग एंड रिलेटिंग इट टू हिमसेल्फ आल्सो, कि उनकी मदर भी ऐसी ही गुजरी थी. जेनेटिक था शायद, वही रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि शी वॉज ट्रैवलिंग इन अ कार एंड उनका सर ऐसे था विंडो पे एंड नोबडी इवन न्यू कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो सर रखे रखे गुजर गई. तो इंदर के साथ भी ऐसा ही था. ही यूज़ टू स्लीप एट 8 o'clock इन द इवनिंग एंड गेट अप एट 5 बिकॉज ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक. और वो सोने के लिए गए हैं और फिर उठे ही नहीं. फिर आई कुड जस्ट हाय मैंने लॉयर अशोक सरावगी से बात की. उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया, मैं जानता नहीं आप इस बारे में बोल चुकी हैं. उन्होंने मुझे लॉयर ने बताया कि ये वीडियो उन्होंने काफी डिस्टर्ब रहा करते थे और आत्महत्या की बातें करते थे कि रेप का केस चल रहा था.
तो उन्होंने मुझे कहा कि वो डिस्टर्ब थे और मुझे बार बार बोलते थे कि मैं सुसाइड करना कर लूंगा करना चाहता हूँ। और ये वीडियो उन्होंने खुद बनाया था और उसी वीडियो को इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया नहीं, है नहीं, जस नहीं, का नहीं, दस। और ये बात नहीं, आपको नहीं, पता है ऐसा उन्होंने ये भी बोला है नहीं, नहीं, इस सर बारे में केस जो नहीं, है नहीं, इस बात का मैं अभी आपको ये जो आपका सवाल है आपके सवाल का जवाब यहाँ है। ये टोटल जो वीडियो आप जो जिससे जहाँ से ये नहीं, लेके नहीं, आए हो आपको... ये पूरा वीडियो या हमने हमारे फिल्म के लिए शूट किया हुआ है और वो क्लिपिंग आपको अभी हम दिखाते हैं। तो हाँ, मैं नहीं, 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 मैं आपको क्योंकि क्लियर लॉयर करती हूँ। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई विल टेल यू व्हाई ही मस्ट हैव सेड दैट। क्योंकि देखिए केस 4 साल पहले हुआ था उनका। उस वक्त एक एक्टर का एक ऐसी चीज़ से अक्यूज्ड हो जाना जिसके कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस वक्त एक डाउनफॉल आया था इंदर के लाइफ में। ये पिक्चर तो 1.5 साल पहले बनी है सर, केस 4 साल पहले का है, 2014 का है। नहीं नहीं लगातार नहीं थे। अब आपके घर में अगर आपको कोई रेप के लिए अक्यूज्ड कर देगा तो आप भी उतने ही डिस्टर्ब्ड हो जाओगे और जितनी आपकी फैमिली रहोगे। तो वो बोलते ज़रूर थे क्योंकि उनको ह्यूमिलेटिंग लगता था कि ऑब्वियसली कोई अगर जेल चला जाए तो वो क्या कैसा फील करेगा, वो सर छुपा के जाएगा ना। वो मुझे बोलते थे कि आई डोंट वांट टू लिव, हाउ आई एम गोइंग टू फेस माय डॉटर, कल के दिन मेरी बेटी पढ़ेगी ये, उनकी एक बड़ी बेटी है, उनकी एक छोटी बेटी है, कल के दिन वो अगर गूगल करेंगी तो क्या पढ़ेंगी, इंदर कुमार द रेपिस्ट। दैट्स फॉर वॉट आई एम फाइटिंग एज वेल इन द हाई कोर्ट to take that thing away which was not true. तो उस वक्त वो फेस था उनका, लेकिन उस वक्त ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिकॉर्ड तो 1.5 साल पहले हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फिल्म का ही हिस्सा है, उन्होंने खुद अपने मोबाइल नहीं, पे नहीं, नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया था, नहीं, 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 ये फिल्म का पार्ट है। एग्जैक्टली, आप सोचिए ना 2014 और लास्ट ईयर फिल्म बनना, उससे क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि लॉयर ने अलग बताया इसलिए नहीं, वो कंफ्यूज्ड हो गए होंगे। ही इज अ वेरी सीनियर लॉयर एंड ही वाज कहना, जो मैं आपको क्लिपिंग दूंगा वो क्लिपिंग जैसे आपको क्लिपिंग मिली है वो एक एक मिनट की मिली है ना, मैं आपको उसके एक मिनट के पहले का सीन, उसके एंड का सीन, ऊपर 2-3 मिनट का सीन दूंगा, आपको मालूम पड़ेगा कैसे कंटिन्यूटी है। और मैं आपको प्रोमो दिखाता हूँ, प्रोमो के अंदर जो हमने डिजाइन किया है उसके अंदर भी वो चीज़ आ रही है। और प्लस क्या होता है ना कि एक लॉयर और एक डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सो व्हेन ही यूज्ड टू बी लो, ही यूज्ड टू टॉक टू हिज लॉयर एंड से दैट आई कैन नॉट फेस द वर्ल्ड, आई एम जस्ट वरीड अबाउट माई डॉटर, I have not done anything wrong. I want to win this case as soon as possible. And he, everybody goes through that phase. Everybody. आप 45 days Arthur Road दे रह के आओगे सर तो आपकी क्या हालत होगी, आप मुझे बताओ। But still he fought it, ना? He came out with dignity. He came out with dignity. And he is still fighting the case. So what if he is not here? I am there to fight the case and I am fighting it. Never. मैंने जैसे बताया उसका एक्सीडेंट हो गया था इतना मेजर, तब तो उसने कोशिश नहीं की। अब क्या करेगा वो, 2-3 साल लगा था बेड पे रहना। 2 साल आप वाटर बेड पे रहोगे और डॉक्टर आपको बोल देगा कि आप चल नहीं सकते हो, तो सुसाइड तो तब करोगे ना जब मेजर पिक्चरें, मस्त जैसी पिक्चरें उनके लिए लिखी जा रही थी और तब सारी साइनिंग अमाउंट वापस जा रही थी, करियर बर्बाद हो गया, डिसेबल हो गए। दूसरी बात, जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई हमारे, जिसके अंदर बहुत उम्मीदें बनी हुई थी सब लोगों को कि कमबैक है, एक तरीके से कमबैक फिल्म हमारी, तो जो कमबैक हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब कुछ खिल के आ रहा है, तो क्यों करेगा कोई ऐसे? अब तो जीवन वापस निकल के आएगा ना हमारा, उसके बाद तो हम लोग बाकी लोगों से मिल के आए हैं, बड़े बड़े लोगों से, वो अच्छे से सब चीज़ें निकल के आने वाली थी। अचानक रात को भाभी का फ़ोन आया, अचानक मैंने, ये सब कुछ कैसे बिखरता है, भगवान क्या करता है, कुछ जानता नहीं कोई। इस वीडियो के टाइमिंग को लेकर भी थोड़ा सा अब को लेकर भी अब बातचीत होने लगी कि ये फिल्म रिलीज होने वाली उसकी पब्लिसिटी के लिए, तो इन 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 बातों सर काश ऐसे किया होता सर, ये पीछे पीछे पोस्टर लगा लेता मैं, अभी मेरा बना होता तो अभी यहाँ लगा होता मेरा फटी पड़ी जाता। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको सर, मैं बता रहा हूँ कि फटी पड़ी है, पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मैं फटी पड़ी जाकर बहुत बड़ा पोस्टर लगा था बाहर भी, एक छोटी सी 2000 रुपये की वो बनती है स्टैंड लगा लेता बाहर, खुद अपनी जान जोखिम में डालने वालों में से बात हो रही है, क्योंकि पुलिस मुझे कॉल करेगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, बिकॉज आई वॉज लिविंग विथ हिम। ओके, सेकेंडली
I have a petition which is there in High Court, which will be challenged there. So I'm not going to get into all that bullshit and spoil my case, because I want that so-called rape word removed from his name, because he has two daughters. They are going to live their lives, and the fact of life is he's the father. हमें मालूम है कि ये हमारी फिल्म का सीन है लेकिन दुनिया को नहीं मालूम, हमारे पर भी ब्लेम गेम हो रही सारी की सारी की। भाभी ये आपने बताया नहीं कि सुसाइड किया था उसने, ये किया था वो किया था, तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं इनके पीछे पड़ गया कि नहीं अपन कुछ करते हैं। तो राजू जी का साथ मिला हमारे को और हमने कहा कि ना सारी दुनिया को बता के थक जाएंगे हम लोग, तो इससे अच्छा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें भैया कि ना हकीकत में वो जो विल पावर वाला बंदा था ना, वो ये हरकतें नहीं कर सकता किसी कीमत पर भी। सलमान भाई की जब क्वेश्चन होती है ना तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि शुरुआत से ये पॉइंट तो वैसे भी मैं क्लियर करना चाहती थी कि पता नहीं मीडिया वालों ने ये चीज़ क्यों लिखी जब इंदर गुजरे कि सलमान खान नहीं आया मौत पे। तो क्या मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या सलमान खान को मीडिया की ज़रूरत है क्या, मतलब कि वो पब्लिसिटी की ज़रूरत है कि अरे मैं इंदर कुमार मर गया तो मैं जाऊँगा तो मुझे मीडिया देखेगी और फिर वो वीडियो में आएगा, फिर मैं वो शमशान में खड़ा होऊंगा तो वहाँ पे दिखेगा कि इंदर मेरे दिल के कितने करीब था। सर सलमान भाई और इंदर का रिश्ता 15-20 साल का रिश्ता है, वो उन लोग का रिश्ता मैं खुद समझ नहीं पाई आज तक, क्योंकि वो लोग लड़ते भी उतने ही हैं भाइयों के तरह, प्यार भी उतना ही था एंड ही टुक केयर ऑफ इंदर आई थिंक सिंस ही न्यू हिम टिल द लास्ट इन एवरी वे, इमोशनल वे, करियर वे, करियर इन अ सेंस कि जब वो गिरता था तब उसको बोलते थे नहीं यू कैन डू इट एज अ बिग ब्रदर, ही वॉज ऑलवेज देयर इमोशनली, ऐसा नहीं कि काम दिला रहे थे, नहीं इंदर को हर पिक्चर में ले लेते तो फिर कोई दूसरा काम ही नहीं करता उनके साथ, दैट वॉज नॉट द पॉइंट। सलमान भाई के साथ ये है कि सलमान भाई मुझसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि सलमान भाई ये सीन ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम फुटेज लेके गए थे इंदर और ये गए थे तो वी शोड हिम द सॉन्ग द सीन्स एंड एवरीथिंग टू गेट अ व्यू ऑफ हिम, सो आई डोंट थिंक सो ही विल गेट अफेक्टेड आउट ऑफ इट, ही माइट इट अभी पता भी नहीं चला होगा उनको क्योंकि ही इज़ सो बिजी, so it is a very private relationship and I know the reason why he didn't come for the funeral and it is very private, I don't want to discuss it and he doesn't need any description for it as well because I know how much he loved him, he still does, he's in touch with me, he's in touch with my daughter, why? Because he's a part of a family and he'll always be.